Hello everyone, welcome to Wikipedia. My name is Abhishek Sharma and today I'm bringing you the next feature video in Abhishek's Take. आज की वीडियो का हमारा जो उद्देश्य है वो मॉनेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी के प्रिलिम्स 2020 के लिए जितने भी अपडेट आपको रिक्वायर्ड हैं उन सबको आपके नोट्स में वैल्यू एडिशन करना है. सो एसेंशियली हम वो हर चीज कवर करेंगे जो आप नोट्स के बेसिक लेवल से उठ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एड ऑन करना चाहिए इन्फॉर्मेशन. वो करंट अफेयर से भी रेफरेंस में हो सकता है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो न्यूज़पेपर्स में दिखने को मिलती है तो उसको आप एड ऑन कर सकते हो. तो ये सारी चीजें हमें एड अप करनी है अपने क्लास नोट्स के अंदर. सो दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स थ्रू एंड थ्रू. ठीक, और इनके प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस जो यूपीएससी के ऑलरेडी आ रहे हैं उन्हीं के ट्रेंड्स के बेसिस पे ये जो कंपाइलेशन है वो किया गया है डेटा का. ये जो चीजें हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक रहेगा, तो वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को. ठीक है, तो आप वहीं से अपने नोट्स के साथ भी इसको अपडेट कर सकते हैं. सो ये बेसिकली मनी के साथ रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ऐसे ही हम आगे भी लेक्चर्स बनाते जाएंगे ताकि आप अपने जो प्रीलिम्स जब तक अब यूपीएससी उसको डिले करेगा या नहीं करेगा ये देखना हमें पता चलेगा 3 मई को, तो तब तक के सारे करंट अफेयर्स आपके अप टू डेट रहे. दिस इज द एफर्ट ऑफ अभिमन्युस. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सो विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, तो हम मनी की एवोल्यूशन एंड टाइप्स, तो वहां पे ये टॉपिक में हमने अपग्रेड करना है. तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहां पे कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, बैंक मनी एंड क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें आपने बेसिक लेवल पे क्लास नोट्स में पढ़ रखी हैं. अब इन्हीं के अंदर वन बाय वन हमें अपग्रेड्स करने हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक्स अपने जो क्लास नोट्स में सेट कर रखे हैं वहां वहां पे अपडेट करते जाइए. सो एक फिएट मनी को लेके हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है कि ये कहाँ पे प्लेस्ड है. अब उसके लिए दो बेसिक चीजें हैं जो न्यूज़पेपर में करंट अफेयर में सेटअप हो रही हैं कि इसमें कंडीशंस क्या हैं. अगर किसी भी मनी को फिएट मनी कहना हो तो क्या दो कंडीशंस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये समझ लेते हैं. तो पहली कंडीशन है इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन और करेंसी नोट और समटाइम्स ए वर्चुअल क्रिप्टो कॉइन लाइक मार्शल आइलैंड्स SOV. दूसरी कंडीशन है इट मस्ट बी इश्यूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और द स्टेट. तो स्टेट यहाँ पे है ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन के तौर पे है, हो सकता है किंग, क्वीन या मोनार्की, किसी को भी लिया जा सकता है. तो फिएट मनी की ये दोनों जो प्री कंडीशंस हैं वो होनी चाहिए तभी उसको फिएट मनी बोलेंगे. ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज लीगल टेंडर. सो लीगल टेंडर के लिए दो बेसिक कंडीशंस हैं, पहली इट मस्ट बी अ फिएट मनी और दूसरी कंडीशन है इट मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेट्स एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू आउट द कंट्री. तो ये लीगल वैलिडिटी उसको प्रदान कौन करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी. तो ये दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, अब ये जो अगली स्लाइड पे चलते हैं, लीगल टेंडर जो है वो दो तरह के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर्स एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स. तो ये भी अभी रिसेंटली दोबारा से न्यूज में रहा है. तो लिमिटेड लीगल टेंडर्स जो है वो कॉइनेज एक्ट 2011 के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं और रिसेंटली कुछ नए कॉइन्स लॉन्च हुए थे जो हम आगे जाके देखेंगे, तो इस वजह से ये दोबारा न्यूज में आया था. तो कॉइन्स ऑफ रुपी 1 एंड अबव दे कैन बी यूज टू सेटल ट्रांजेक्शंस अप टू रुपीज 1000 और जो 50 पैसे का कॉइन है उससे आप ट्रांजेक्शन अप टू रुपीज 10 कर सकते हैं और जो 50 पैसे से नीचे के कॉइन्स हैं वो 2011 के बाद सब विड्रॉ कर लिए गए थे तो उनको हम किसी भी लीगल ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते. उसके बाद जो जितने भी बाकी के करेंसी नोट्स हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स में आते हैं, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर एक पर्टिकुलर चीज गवर्नमेंट लेके आई थी कि जो कैश बेस्ड ट्रांजेक्शंस हैं वो 2 लाख रुपए से कम ही रहेंगी. उसके ज्यादा अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई पेमेंट सेटलमेंट करनी है तो उसमें आपको चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेट या किसी भी तरह का ऑनलाइन मोड आपको लेना पड़ेगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उसमें पेनल्टी भी लग सकती है जो कि ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मनी पेड अबव रुपीज 2 लाख हो सकता है. ठीक, सो ये लीगल टेंडर के बारे में आपको अपने जो नोट्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन अपडेट करना है. नेक्स्ट, अब ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देखने के लिए हम यूपीएससी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो 2018 में पूछा गया था. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी. तो ये क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शंस दिए थे. हालांकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन फिर भी आपको उस टाइम पे जितना ज्यादा
कंफर्ट जोन मिले प्रीलिम्स के अंदर उतना अच्छा है। और यही अब मेन्यूज में हमारा एक कोर कंसर्न रहता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऑफ द सीट ना थ्रो करे, आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाओ ताकि जो एंजाइटी लेवल्स हैं प्रीलिम्स में वो मिनिमल रहे और आप अपना प्री आराम से क्लियर कर पाओ। ठीक, चलिए, आई एम श्योर इसका आंसर अब आपको पता है। अगर आप इसका आंसर लाइव चैट में बताना चाहें तो बताइए जरा, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो प्रीमियर रहेगा एंड आई एम देयर विद यू इन द चैट सेक्शन। सो जो भी अपना आंसर बताना चाहते हैं बताइए, सो मैं चैट के अंदर ही आपको बता दूंगा कि क्या ये सही आंसर था या नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सो बैंक मनी, सो बैंक मनी जो है इसके साथ रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी स्कैटर्ड फॉर्म में न्यूज़पेपर में अपीयर करती रहती है। अब इसको थोड़ा सा इकट्ठे करके लेट्स लुक इनटू दैट, और आपके नोट्स में भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। बैंक मनी की परिभाषा तो आपके पास ऑलरेडी है बैंक क्रेडिट के अंदर, तो लेट्स लुक इनटू दिस। सो पहला है ओपन और बियरर चेक। तो ये बेसिकली ऐसा चेक है जो कोई भी इनकैश कर सकता है, तो इसको क्रॉसिंग नहीं करना पड़ता, आमतौर पर हम चेक क्रॉस करके देते हैं। दूसरा है आईएफएससी कोड। सो आईएफएससी स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सो इट्स एन 11 अल्फा न्यूमरिक नंबर टू आइडेंटिफाई द बैंक ब्रांच, जस्ट लाइक अ पिन कोड आइडेंटिफाइज द एरिया। सो इट आइडेंटिफाइज द बैंक ब्रांच जहां का वो पर्टिकुलर चेक या वो पर्टिकुलर अकाउंट है, दैट इज द आईएफएससी कोड। नेक्स्ट इज मिकर कोड, so that is magnetic ink character recognition, that is MICR. So it's a 9-digit code written in iron oxide ink for automated clearance. So basically that is the MICR code of any financial instrument given by the bank. Next jo hai, that is NPCI CTS 2010. So basically NPCI stands for National Payment Corporation of India, jisne isko launch kiya tha, aur CTS basically check truncation system hai. Pehle jo hamare check क्लियर किए जाते थे उसमें मैनुअल अकाउंटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब स्कैंड इमेज जो चेक्स की हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करके ड्रॉई और ड्रॉअर बैंक जो है वो आपस में इसको सेट कर सकते हैं, और इसमें कोई मिकर रीडिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट। सो ये बेसिकली इट कैनॉट बी डिसऑनर्ड बिकॉज द सेंडर हैज टू पे द अमाउंट बिफोर हैंड टू द बैंक बिफोर द बैंक इश्यूज द डिमांड ड्राफ्ट टू हिम। तो essentially हम करते क्या है कि बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो उस पैसे के अगेंस्ट जो है हमें डिमांड ड्राफ्ट मिल जाता है, या हमारे अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में पैसा होगा उसी के बेसिस पे हमारा एक डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी फीस भरी होगी कहीं ना कहीं किसी कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां पे डीडी आमतौर पर यूज किया जाता है, सो आपको पता ही है। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट। सो व्हेन पर्सन हैज इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस but still he may withdraw money from his account, this is known as overdraft facility which a particular bank or a bank account provides. ab hamare yahan pe pradhanmantri jandhan yojana ke andar ek overdraft facility hai, pehle 5000 rupaye ki hoti thi jab launch kiya gaya tha, ab isko badha ke 10000 rupaye ki kiya gaya hai under certain conditions. conditions ye hai ki 6 mahine ke liye wo khata kam se kam chalu sthiti mein hona chahiye, usme kuch transactions honi chahiye, tab usme overdraft facility milti hai. अदरवाइज जो सैलरीड है उनके लिए एक सैलरी ओडी अकाउंट भी बैंक उनको ऑफर कर सकते हैं अगर उनकी एक सर्टन कंडीशंस या बैंडविड्थ को मीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ये बहुत टर्म न्यूज में रही और यूपीएससी का ये क्वेश्चन भी देखने को मिला, सो वी लुक इनटू दैट आल्सो। सो कोर बैंकिंग बेसिकली रेफर्स टू व्हाट, लेट्स सी। सो कोर जो है एक्रोनिम है और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोर। अब इसका कंसर्न है क्या, बेसिकली इट्स अ सेंट्रलाइज सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय अ बैंक विच अलाउज इट्स कस्टमर्स टू कंडक्ट देयर बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैंक्स ब्रांच। तो लेट्स से आपका किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में चंडीगढ़ में बैंक ब्रांच के अंदर अकाउंट है, तो वो आपको लिमिट नहीं करता कि आप उसी बैंक ब्रांच में जाके अपनी हर बार बैंकिंग कीजिए, आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाके अपनी बैंकिंग कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक, सो इट बेसिकली रिमूव्स द जियो स्पेसिफिकसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस, जो इंपेडिमेंट्स हैं कि आपको उसी बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा, ऐसा सब रिमूव कर दिया जाता है। और कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस की कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे फिनिकल यूज होता है बाय इंफोसिस, दिस वाज डेवलप्ड एंड इज यूज्ड इन पंजाब नेशनल बैंक। ऐसा ही एक बैंसिस भी है, दैट इज यूज्ड बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आरबीआई का भी एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है जिसको कुबेर बोला जाता है। तो ये तीन चार इस तरह के इंडिया में जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है वो यूज होते हैं, सो यू मस्ट नो देम एज अ प्रीलिम्स बेसिक इंफॉर्मेशन, दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान रखिए ये प्रेजेंटेशन आपके डाउनलोड लिंक के अंदर गिवन है, तो आप अगर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उधर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए तो यूपीएससी में प्रीलिम्स 2016 के अंदर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस को लेके एक क्वेश्चन पूछा गया था. सो वो क्वेश्चन था कि इट इज अ नेटवर्क नेटवर्किंग ऑफ अ बैंक्स ब्रांच व्हिच इनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट. सो बेसिकली यही इसमें एक करेक्ट एस्पेक्ट है. बाकी जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ी सी ओवर एम्फसाइज्ड हैं. अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन. भाई आरबीआई और मुसीबत क्यों लेना चाहेगा, मोल पहले कम है क्या. तीसरा है इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर्स बाय विच अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक. भाई जिसकी पहले ही इतनी ज्यादा लायबिलिटी है उसको कोई और बैंक टेक ओवर करना चाहेगा, तो थोड़ी सी सेंसलेस सी होती है. अगर आप उसको एक बार पढ़ना सीख लो इन स्टेटमेंट्स को, जो कि क्लास में आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी भी गई है ऑलरेडी जो इकोनॉमी की हमारी क्लासेस हुई है कि किसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट को कैसे जज करना है, तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, सो इसका भी आंसर वन ओनली था, तो आपको ऑलरेडी पता लग ही क्या होगा. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट. सो मनी रिलेटेड करंट अफेयर अपडेट्स अभी क्या है जो न्यूज पेपर में और भी आते रहे हैं. तो एक विजुअली हैंडीकैप फ्रेंडली कॉइन्स जो है वो इंडिया में लॉन्च किए गए थे. सो गवर्नमेंट जस्ट लॉन्च अ न्यू सीरीज ऑफ वीएच फ्रेंडली और विजुअली हैंडीकैप फ्रेंडली कॉइन्स ऑफ 1, 2, 5, 10 and 20 इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस एंड वेट्स. तो बेसिकली 1 rupee से 2 rupees से 5 rupees जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो साइज और वेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, आइदर साइज और वेट. ठीक है, अब इसकी जो डिजाइन है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने प्रोवाइड किया है. और 10 rupee तक के कॉइन्स तो हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे थे. 20 rupee कॉइन एक नया कॉइन है जो अब इसमें इंक्लूड किया गया है. इट्स अ 12-sided कॉइन विद नो सरेशन. सो बेसिकली यू कैन लुक एट द कॉइन, द इमेज इज ऑलरेडी गिवन. एंड बाकी सारे जो कॉइन्स हैं वो आपको पता ही है कि राउंड शेप में आते हैं. तो सिर्फ एक ये है जो 12-sided कॉइन हमारे पास एक आएगा. दिस इज द ओनली कॉइन. ओके, अब आगे और देख लेते हैं. सो मनी या रुपी को लेके इंडिया में क्या क्या अभी तक हो रखा है, सारे ही करंट अफेयर्स मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर कवर कर लूं ताकि आपका एक होलिस्टिक सिस्टम बन जाए. आई एम श्योर कि कुछ चीजें हमने क्लास में इसमें से कवर कर रखी हैं, सो डोंट वरी. तो जिन लोगों ने मेन्यू से नहीं तैयारी की तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए. सो इस वजह से मैंने कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो भी इसमें इंक्लूड की हैं. ठीक है, सो न्यू रूपी सिंबल. सो दिस इज द रूपी सिंबल राइट नाउ विच यू कैन सी इन द इमेज. And it was created through a competition which was conducted by Department of Economic Affairs in 2010. और ये जो डिजाइन है वो IIT गुवाहाटी के हमारे एसोसिएट प्रोफेसर थे डी उदय कुमार, तो उन्होंने ये डिजाइन दिया था. ठीक है, सो दैट वॉज द न्यू इंडियन रूपी सिंबल. 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन यूपीएससी ने इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इट्स स्टिल एन अ लाइव थिंग. ओके, अब एक और जो 2016 के अंदर नवंबर 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन किया गया था, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. या सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स गेजेट नोटिफिकेशन टू बैन द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स ऑफ महात्मा गांधी सीरीज ₹500 and ₹1000 एज पर स्पेसिफाइड बैंक नोट सेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट 2017. देखिए नवंबर 2016 में इसकी जो 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया था, लेकिन जो एक्ट है वो बाद में, तो पहले इसको जो है वो सीधा ऑर्डर देके किया गया और बाद में इसको एक्ट के तौर पे लाया गया. एक्ट के अंदर फिर स्पेसिफाई किया गया कि क्या पनिशमेंट्स होंगी, क्या लायबिलिटीज हैं अगर आप ये नोट होल्ड अप करते हैं, कितने नोट कोई कलेक्टर जो है वो अपने पास रख सकता है अगर उसकी हॉबी है उस नोट कलेक्ट करने की, है ना. तो ये सारी चीजें जो है वो एक्ट में बाद में स्थापित की गई. ठीक है, सो ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है. अब हमारे यहाँ पे इंडिया में आपने देखा कि बड़े रंग बिरंगे नोट चल रहे हैं आजकल, है ना, कभी पर्पल कभी येलो, तो अलग अलग नोट्स आपको दिखते हैं. सो न्यू करेंसी नोट्स बेसिकली वर लॉन्च्ड, महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट आए थे. तो इनके ऊपर किस नोट पे क्या लिखा है ऐसा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, वैसे यूपीएससी के लेवल का तो नहीं है, लेकिन कभी आना चाहे तो यूपीएससी नीचे सिंपल क्वेश्चन देने पे तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो देखिए 2000 rupee के नोट के ऊपर बेसिकली कौन सी इमेज है, एटलीस्ट इतना हमें याद होना चाहिए, तो दैट इज मंगलयान. और एक बात है, हमारा जो ये नोट है अगर आप देखेंगे तो बड़ी सारी इस पे जो है लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं. तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8th schedule है उसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो ज्यादा है, लेकिन इधर जो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं देयर अराउंड 17 languages व्हिच आर देयर ऑन अ करेंसी नोट, बट इन द 8th schedule देयर आर मच मोर लैंग्वेजेस, 20 to 23 languages. तो वो यहाँ पे उससे थोड़ी कम लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं. ठीक है, अब ऐसे ही जो 500 rupee का नोट है तो उधर रेड फोर्ट है,
एंड इट्स इन दिल्ली, इट वॉज क्रिएटेड बाय शाहजहां, यू नो एवरीथिंग अबाउट रेड फोर्ट. इसी तरह से जो 200 रुपए का नोट लॉन्च किया गया है येलो कलर में है, इट इज हैविंग सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश. 100 रुपए का जो नोट है दैट इज पर्पल इन कलर, सो उसके ऊपर रानी की वाव ऑन सरस्वती रिवर इन पतन, सो दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड. अब दिस कौन सी रानी है जिसकी वाव की बात हो रही है, तो दैट इज रानी उद्यमती फॉर किंग भीमा वन ऑफ चालुक्या और सोलंकी डायनेस्टी इन 11th सेंचुरी एंड इट इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड दिस इज हाउ इट हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट साइट टू बी मेंशन्ड ऑन द 100 रुपी करेंसी नोट. ठीक है, आगे चलते हैं. तो अब इतने सारे अलग अलग तरह के जो नोट बना रखे हैं, तो जो हमारे विजुअली हैंडीकैप्ड हैं उनको तो बहुत मुश्किल हो गई होगी, क्योंकि पुराने करेंसी नोट्स अभी तक मार्केट से हटाए नहीं गए हैं सिवाय कि 500 और 1000 के. तो 100 रुपए का पुराना करेंसी नोट भी है और 100 रुपए का नया करेंसी नोट भी है, तो 200 रुपए का तो खैर अभी लॉन्च ही हुआ है. तो ये थोड़ी सी एक ट्रबल सम फीचर था. तो इस वजह से एक नई ऐप आई है, रोशनी ऐप. ठीक, तो इस रोशनी ऐप के अंदर क्या है, आप देखिए. सो रोशनी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन दैट हेल्प्स टू डिटरमिन द डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन रुपी करेंसी नोट्स एंड दिस करेंसी रिकॉग्निशन ऐप इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द असिस्टेंस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस, और इसको IIT रोपड़ ने क्रिएट किया है. तो दिस वॉज द मेन कंसर्न यहाँ पे, क्योंकि हर तरह के नोट अब इंडिया में चल रहे हैं. 10 रुपए का पुराना नोट भी है, नया भी है. 20 रुपए का भी नया नोट आ गया है, पुराना नोट भी चल रहा है. सो हाउ वुड अ विजुअली चैलेंज्ड और इम्पेयर्ड पर्सन बी एबल टू आइडेंटिफाई इट? सो फॉर दैट दिस ऐप हैज बीन क्रिएटेड, दैट इज रोशनी ऐप. ओके, एंड RBI इज द रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन राइट नाउ. ठीक है, अब बजट 2020 के अंदर भी एक नई चीज हाईलाइट की गई थी बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. So she said that a museum of numismatics and trade will be set up in the historic old mint building in Kolkata. So this is a new fact which is there for your prelims. Okay, तो ये भी एक म्यूजियम है जो इंडिया में बनेगा, और भी बड़े सारे म्यूजियम उन्होंने बोला था कि हम बनाएंगे इंडिया में, तो उनकी भी आपको हाईलाइट जो है वो बजट 2020 के अंदर देखनी है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब मनी के साथ रिलेटेड जो आज की लेवल पे, अब पैंडेमिक में भी अब आप देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स का प्रावधान जो है या लोगों का यूजेज है वो बढ़ गया है, क्योंकि फिजिकल करेंसी यूज करने से हम एक तरह से अब डर ही रहे हैं. सो ऐसे में कौन कौन से अलग अलग माध्यम हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं? आई एम श्योर मेरे मन्यू के स्टूडेंट्स ने ये सब कुछ पढ़ रखा है, बट स्टिल ब्रिंगिंग एवरीथिंग इनटू पिक्चर, अब हम मनी रिलेटेड बातें कर ही रहे हैं तो सारी एक जगह पे क्यों ना आ जाए. सो पहले हैं बैंकिंग कार्ड्स, तो इंडिया का उसमें रुपे कार्ड है, बाकी मास्टर कार्ड वीजा तो सब है ही. ठीक, तो उसके बाद USSD है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, मोबाइल वॉलेट्स हैं, बैंक प्रीपेड कार्ड्स हैं, POS मशीन्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, भीम, यू नेम इट, देयर सो मेनी. अब इनके बारे में कुछ बेसिक्स हम जान लेते हैं कि ये क्या है. सो लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स गेट टू नो देम अ लिटिल बिट. सो पहला है BBPS, सो दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड मंथली पेमेंट्स ऑफ यूटिलिटीज सच एज गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. तो आप एक बिलिंग सिस्टम सेट कर सकते हैं, अपने आप आपके अकाउंट से उतने पैसे कट जाया करेंगे, एंड यू कैन सेट इट ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, जैसे आपको ठीक लगे आप सेट कर सकते हैं. फिर एक NACH है, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फॉर बल्क मंथली पेमेंट्स ऑफ यूटिलिटी बिल्स, डिविडेंड, सैलरीज, पेंशंस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स. तो ये NACH जो है ये इंस्टीट्यूशनल यूटिलिटी के लिए है, और BBPS जो है वो पर्सनल यूटिलिटी के लिए, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं. देन थर्ड इज NFS, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच. सो दिस इज बेसिकली द एंटिटी विच रन्स द ATM नेटवर्क, द IMPS, the UPI and the Bheem in the country. तो ये जितने भी immediate payment settlement systems हैं उनको use करने के लिए National Financial Switch है. फिर next है check truncation system, तो इसकी बात हम already कर चुके हैं, 2010 में इसको launch किया गया था. Next है UPI, so that is Unified Payment Interface. So basically UPI के अंदर दो basic aspects आ चुके हैं. 2016 में UPI launch किया गया था, और तब इसको UPI 1.0 बोल सकते हैं, और UPI 2.0 जो है वो 2018 में लॉन्च किया गया था. 2018 में जो एड ऑन फीचर हमारे पास आए हैं, अब उसमें हम UPI को कुछ और एरियाज में भी यूटिलाइज या लिंक कर सकते हैं. पहला है ओवरड्राफ्ट अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, दूसरा कैश ऑन डिलीवरी और यूजर मैंडेट फॉर फ्यूचर डेट. जैसे आप अपना DTH रिचार्ज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो आप मैंडेट अपने आप से सेट कर सकते हैं.
याद कीजिए, जब आपकी ईएमआई अकाउंट से कटती है तो बैंक आपके लिए एक ईसीएस मैंडेट सेट करता है। तो यहाँ पे आप ईसीएस मैंडेट खुद सेट कर सकते हैं कि कब एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से कट के आपके एक रिचार्ज फैसिलिटी में या आपकी कोई भी एक पेमेंट है वहां पे वो चला जाए। फिर इनवॉइस जो है वो इनबॉक्स में आती है, तो हर जो बिल है वो आपके पास रहेगा। और एक क्यूआर ऑथेंटिसिटी चेकर भी है। सो बेसिकली जितने भी क्यूआर स्कैनिंग फीचर्स हैं वो तो यूपीआई 1 में भी थे, लेकिन यूपीआई 2 में अब जो मर्चेंट है उसकी वेरिफिकेशन भी होती है कि क्या वो वेरीफाइड मर्चेंट है या नहीं। सो दैट इज ऑल्सो देयर इन दी यूपीआई 2.0। नेक्स्ट जो है दैट इज भीम। सो दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, सो ये भीम ऐप भी जो है ये 2016 में ही डेवलप कर लिया गया था। ये एंड्रॉयड iOS हर जगह चलता है और इसको आप अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा या USSD कोड जिसको हम बोलते हैं *99#, उसके थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास कोई फीचर फोन होगा तो वहां पे भी ये यूज हो जाएगा और स्मार्टफोन में तो यूज होगा ही होगा। सो ये बेसिकली एक बैंक टू बैंक या पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है और उसमें आपको मोबाइल वॉलेट की तरह पैसे लोड नहीं करने पड़ते ना यूपीआई में ना भीम में, और आप डायरेक्टली इसको बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट करके अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज देयर। उसके बाद भारत क्यूआर कोड है जो 2016 में लॉन्च हुआ था, सो ये भी भीम ऐप के साथ साथ ही काम करता है। ठीक है, और कोई भी यूपीआई बेस्ड ऐप होगी तो वहां पे ये भारत क्यूआर कोड जो है वो काम करेगा। तो बेसिकली ये मर्चेंट्स के साथ रजिस्टर हो सकते हैं, अपने क्यूआर कोड्स ले सकते हैं जो कि वेरीफाइड क्यूआर कोड्स होंगे। Then there is RuPay. So you already know RuPay payment is the full form and it's the world's 7th largest payment gateway. Now we don't have that much of a overreach जैसे कि MasterCard या Visa card की है, लेकिन definitely ये एक important payment gateway है जो इंडिया ने अभी system setup किया है through National Payment Corporation of India. Okay? और recently हम इसको Singapore, Japan और बहुत सारी countries के साथ भी integrate कर रहे हैं ताकि इसको world level की एक entity बनाया जा सके, लेकिन अभी ये इतना वेल रीच में नहीं आया है। देन देयर इज AEPS, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। एंड अभी एक रीसेंट जो आप सबने अपनी गाड़ियों के ऊपर फास्टैग के स्टिकर लगाए होंगे, तो उसके लिए भी देयर इज अ NETC, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स द बैक एंड टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट फास्टैग टोल कलेक्शन। ओके, तो जितने भी आपने फास्टैग के स्टिकर लगाए हैं वो NETC के थ्रू काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो दैट इज न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम्स। तो इंडिया में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अभी एक अम्ब्रेला एंटिटी है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ योर डिजिटल पेमेंट्स। तो चाहे वो IMPS के थ्रू मनी ट्रांसफर हो, चाहे वो किसी मोबाइल ऐप के थ्रू हो, चाहे वो ATM हो, चाहे रुपे कार्ड हो, इन सबको रेगुलेट या कंट्रोल करने वाली जो एंटिटी है दैट इज NPCI। अब RBI ने फरवरी 2020 के अंदर एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क प्रपोज किया था जिसके अंदर ये कहा गया कि एक नई अम्ब्रेला एंटिटी हम बनाने की कोशिश करेंगे जो कि रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को कॉम्पिटिटिवली टेकअप कर पाए। और इस एंटिटी के लिए उन्होंने ये भी कहा कि ताकि मार्केट में हमेशा कॉम्पिटिशन बना रहे, सो उन्होंने कहा कि एक मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ की होगी और कोई भी सिंगल प्रमोटर या एंटिटी जो है वो 40% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं करेगा इन द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल। ओके, और एक मिनिमम नेटवर्थ का भी प्रावधान दिया गया है, दैट हैज टू बी ₹300 करोड़ व्हिच हैज टू बी मेंटेन्ड बाय दिस अम्ब्रेला एंटिटी व्हिच विल मैनेज द रिटेल पेमेंट सिस्टम्स। ओके, सो दिस इज अ न्यू फैक्ट व्हिच इज कमिंग अप राइट नाउ इन फरवरी 2020। सो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो डू कैरी इट फॉरवर्ड फॉर योर प्रीलिम्स। ओके, देन अब और इसके बारे में अम्ब्रेला एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, लेट्स लुक इनटू दैट आल्सो। सो द प्रपोज्ड अम्ब्रेला एंटिटी विल सेट अप मैनेज एंड ऑपरेट न्यू पेमेंट सिस्टम्स स्पेशली इन रिटेल स्पेस कंप्राइजिंग बट नॉट लिमिटेड टू ATMs, वाइट लेबल POS, आधार बेस्ड पेमेंट्स एंड रेमिटेंस सर्विसेज। ठीक, तो हर जगह पे ये काम कर पाएगा। नेक्स्ट जो है NEUE विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग रिटेल पेमेंट सिस्टम डेवलपमेंट्स एंड रिलेटेड इश्यूज इन द कंट्री एंड इंटरनेशनली टू अवॉइड शॉक्स फ्रॉड्स एंड कंटेंजियंस दैट मे एडवर्सली अफेक्ट द सिस्टम। सो फाइनेंशियल सिस्टम की जो इंटेग्रिटी है उसको प्रिजर्व करना भी इस जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सो दिस इज वॉट द RBI हैज प्रपोज्ड इन फरवरी 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम। ओके, सो डू कैरी इट फॉरवर्ड। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
याद रखिए कि ये जो प्रेजेंटेशन है, द डाउनलोड लिंक फॉर दिस प्रेजेंटेशन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, नाउ इट इज अ डिजिटल वर्चुअल करेंसी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ये ब्लॉकचेन क्या होता है? सो इट इज अ सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट मेंटेन्स ए कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस. पुरानी एंट्रीज इससे डिलीट की जा सकती हैं और नई एंट्रीज जो है दैट कैन बी मेड विजिबल टू ऑल. सो मेनली इट इज यूज्ड फॉर रनिंग द क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क, बट वर्ल्ड ओवर अब इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और भी बड़े एरियाज में यूटिलिटी आ रहा है, जैसे सैलरीज के लेवल पे पेमेंट कैसे करनी है या कोई ऑथेंटिकेशन आपको किसी भी लेवल पे चाहिए तो वहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है. इसके साथ रिलेटेड तो आपको मेन्यू की जो और भी वीडियोस हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो पढ़नी पड़ेंगी अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं. चलिए, सो 2009 में सबसे पहले ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसीज जो है वो न्यूज में आनी शुरू हुई थी. सो जब 2007-08 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे एनार्किस्ट ग्रुप्स थे जो फाइनेंशियल सिस्टम से थोड़ा हटना चाहते थे और वो अपना एक अलग एनवायरनमेंट सेटअप करना चाहते थे. तो 2009 में उनके लिए एक सोल्यूशन आया. सो देयर वाज एन एनोनिमस यूजर जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो. सो ही लॉन्च्ड अ क्रिप्टो करेंसी नेम्ड एज बिटकॉइन. तो जब से आया तब से बहुत रेवोल्यूशनरी रहा और इसको लेके बहुत सारी चर्चा रही, बहुत सारे लोगों ने इनको खरीदा और एक तरह से इंडिया में तो ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे बन गया कि आप बिटकॉइन सस्ता खरीदो और बाद में लेटली महंगा बेचो, तो ये सब होता रहा. और 2017 में और 18 में दो कमिटीज ने गवर्नमेंट को ये कहा कि इसको बैन कर देना चाहिए. तो पहली थी दिनेश शर्मा कमेटी, जो फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि इसको बैन कर दीजिए. फिर दूसरी थी सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी. तो इन दोनों कमिटीज ने ये सजेस्ट किया कि ये जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसीज एस्ट ऑल टुगेदर है, इंडिया में इनका बैनिंग होना जरूरी है. तो 2018 में आरबीआई ने इसके लिए डायरेक्शन भी दे दिया टू ऑल द बैंक्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, मोबाइल वॉलेट्स, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंटिटीज टू स्टॉप ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू क्रिप्टो करेंसीज. ओके, तो दिस वॉज अ वेरी बिग मूव इन इंडिया. हालांकि अभी भी वर्ल्ड ओवर कुछ कंट्रीज हैं जो इनकी ट्रांजेक्शन अलाउ करती हैं. So, but India में क्रिप्टोकरेंसी की जो transactions हैं, that is illegal and it is banned. अब इसको ठीक तरह से बैन करने के लिए, अब ये तो सिर्फ आरबीआई का ऑर्डर था, ठीक तरह से बैन करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट बिल भी प्रपोज किया है, तो जो अगली स्लाइड है वहां पे हम देखते हैं. सो बैनिंग ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019. सो बेसिकली इसके तहत क्या किया गया है कि अब सारे प्रावधान सेट किए जा रहे हैं कि किस तरह से जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें अगर आप यूज करते हैं तो उसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के तौर पे माना जाएगा और 10 साल तक की उसमें कैद हो सकती है. ठीक, सो दिस वाज द कंसर्न एरिया हियर. आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा होगा. अगर समझ आ रहा है तो प्लीज यस टाइप करके बता दीजिए अपने कॉमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो भी प्लीज लिख दीजिए. ठीक है, सो हाँ, लेकिन ये जो बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन एंड ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 है, इसमें ये एक प्रावधान जरूर रखने की बात की गई है कि अगर आरबीआई इन फ्यूचर डिसाइड करे कि वो क्रिप्टो करेंसी अलाउ करेगा और ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी खुद एक आरबीआई लॉन्च करता है अपनी तरफ से, तो उसको परमिट किया जाएगा. ऐसा एक प्रावधान हमने रखा है क्योंकि आगे जाके हम अगर सिक्योर डिजिटल मनी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है. तो अगर वो एक लीगल टेंडर के तौर पे आ सकता है जो आरबीआई खुद लेके है, तो नथिंग लाइक इट. ओके, सो दिस इज व्हाट हैज बीन प्रपोज्ड. सो मनी एंड बैंकिंग को लेके ये जो है सारे के सारे करंट अफेयर्स थे. आप होप आप सबको समझ आ गए होंगे. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अभी मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वो डाउट्स हम यहीं के यहीं रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर आपके इसको लेके कुछ अदर एरियाज हैं जिसमें आप पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ फिट होगी इन्फॉर्मेशन, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं abhishek@abhimanyu.com. और ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज IES_PCS_HCS. ओके, सो स्टडी होम, स्टडी वेल, स्टे होम एंड स्टडी सेफ. ओके, आई एम श्योर दैट यू आर ऑल मेंटेनिंग योर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड you're all keeping fit and you're staying ahead of the competition curve with Abhimanyu's. आपके जो भी queries हैं, आपके सारी की सारी mentoring team available है. जो भी आपके doubts हैं, confidence अगर lag हो रहा है, अपनी teacher के साथ connect बना के रखिए, उनसे time to time पूछते रहिए strategy inputs, और अपने competition में आपको आगे बढ़ने में definitely Abhimanyu's की तरफ से हर help मिलेगी.
जो बच्चे अब मनयुस के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, अगर आप कोई भी कोर्सेस लेना चाहते हैं तो वो सारे के सारे कोर्सेस अब मनयुस अभी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप हमारी वेबसाइट जो है manuis.com वहां पे विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेस का फायदा आप उठा सकते हैं। दे आर ऑल क्लास वीडियो लेक्चर्स विच आर अवेलेबल टू यू इन दी ऑनलाइन मोड, और जो हमारी टीचर्स की टीम है दे आर वेरी एक्सपीरियंस, दे आर ऑल अवेलेबल टू यू टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ मेंटरिंग दैट इज असेंशियल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दिस इज मी अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ।